लखनऊ के चिनहट में छोहरिया माता मंदिर परिसर में आरएसएस की शाखा पर पथराव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंदिर के संचालक ने साकिब और 8-10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक 27 जुलाई को मुस्लिम युवकों ने संघ की शाखा पर पथराव किया था। मंदिर के संचालक का कहना है कि ये मंदिर परिसर के चारों तरफ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और मंदिर के बगल में रहने वाले रिटायर्ड दारोगा जमाल अहमद के उकसाने पर पथराव किया गया। एहतियातन तौर पर मंदिर परिसर में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। चिनहट पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। और लड़के आके पहले झंडे पे तो कचरा फेंके जो संघ लगता है, कचरा फेंकने के बाद फिर इन लड़कों ने जब उनको मतलब खदेड़ा तो बाउंड्री तड़क गए, बाउंड्री तड़कने वाला उधर से पथराव कर दिया। वजह क्या है? वजह केवल इस बात की है कि ये जो शांति का माहौल भंग करने की, और वजह केवल एक है कि रिटायर्ड दरोगा जमाल करके है, वो देखिए बगल में घर है, वो कह रहा ना मैं गेट लगने दूंगा, एसी का पानी इधर बह रहा है, इधर विंडो दरवाज़ा भी किया है, और उसके बाद वो कह रहा कि हम यहाँ ना शाखा लगने देंगे ना कुछ होने देंगे। वो पर्यटन विभाग से अभी वो बन रहा था, वो पता नहीं कितना एसटी लिया है, कितना हमारे खिलाफ लिखापढ़ी किया है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम होने देंगे। केवल जो पथराव किए हैं बड़े लड़के की तो बात अलग है, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनके पीछे केवल जमाल का ही हाथ है। और एहतियात के तौर पर यहाँ पर चिनहट थाने की पुलिस तैनात हो गई है, एक सब इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, और बाकी गश्त भी यहाँ पर लगातार जारी है। और जो इलाके के डीसीपी हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, एक छोटा सा इंसिडेंस जरूर हुआ था, लेकिन जो मुख्य आरोपी है साकिब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ के जो संचालक हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ के माहौल है, यहाँ जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, इनके मंदिर से भी और इनसे व्यक्तिगत तौर पे भी तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिटायर्ड दरोगा है उसके यहाँ बसने के चलते यहाँ का माहौल खराब हुआ है। और अगली खबर बिजनौर से, जहां पर वाइन शॉप पर कुछ कांवड़ियों की ओर से काउंटर पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। पुलिस के मुताबिक शराब की दुकान को बंद करने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है। मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र का है। कुछ कांवड़ियों के द्वारा पर्दे फाड़ने एवं काउंटर में तोड़फोड़ करने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुँच करके शांति स्थापित की गई एवं घटना की जानकारी करने पर पता चला कि वाइन शॉप को बंद कराने को लेकर के यह विवाद हुआ था। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, इसमें तथ्यों के आलोक में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सोनभद्र में पुलिस ने अपने जन्मदिन पर तलवार से बर्थडे केक काटने के आरोपी और उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। इन लोगों ने बाइक पर तलवार से केक काटने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस उसके बाइक साथियों की तलाश में जुटी है। इन लोगों पर हाईवे पर हूटिंग कर दहशत फैलाने का भी आरोप है। अनपरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 की ये घटना है। और अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के चार लोग टापू पर फंस गए थे। एसडीआरएफ की मदद से इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजघाट बांध के 8 गेट खुलने से बेतवा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे मेनवारा गाँव में बेतवा नदी के बीच में बने टापू पर ये लोग फंस गए। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन नदी में जलस्तर अधिक होने के चलते रेस्क्यू करना संभव नहीं था। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। ये टीम लखनऊ से ललितपुर उधर पहुंची और जिला प्रशासन ने आनन फानन में राजघाट बांध के गेट बंद कराए, लेकिन जलस्तर कम होने में 4 से 5 घंटे का वक्त व्यतीत हो गया। सुबह सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। नदी के टापू में फंसे लोगों ने मदद के लिए पुलिस और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया।
लखीमपुर खीरी में प्रशासन के चेतावनी की अनदेखी कर NH-731 पर बाढ़ के पानी में SUV को निकलना यहां पर भारी पड़ गया। गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई। ग्रामीणों की मदद से कार सवारों की जान बचाई गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर से खींचकर बाढ़ के पानी से कार को बाहर निकाला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।